ताड़ी कुत्ता, ताड़ी कुत्ता, मोदी सरकार। देखिए वहाँ पे हमारे लोग मंत्री का उनका विरोध कर रहे थे काले झंडे लगा के। मंत्री है एक गृह राज्य मंत्री, उसने उसका जो लड़का है उसने अपने गाड़ियों के साथ में आया, हमारे जो किसान थे उनके ऊपर गाड़ियां चढ़ाई, फायरिंग किए और वहां पर चार पांच लोगों की डेथ वहां पर हुई जो किसान थे, और करीब 10 से ज्यादा लोग अभी घायल है जो जानकारी थी। अच्छा, किस तरीके से मानते हैं इस हादसे को किसानों का हमला? ये तो प्री प्लान है, पिछले 10 दिन से बयान दे रहे थे बापू मित्तल दोनों कि काले झंडे अगर दिखाओगे हमारा विरोध करोगे तो हम किसानों से दिलते हैं। सरकार फेलियर रही, इसमें सरकार साजिश में लगी। अब किस तरीके का प्रदर्शन रहेगा किसान? जाएंगे, हम जाएंगे, प्रदर्शन ही है हमारा, तो प्रदर्शन दिल्ली में चल रहा है, हमारा विरोध प्रदर्शन ही है और हमारा चला हुआ है। अच्छा, क्या किसानों की तरफ से मुकदमे की कोई बात कही जा रही है? मुकदमा होगा, वहाँ पे जाने लग रहे हैं, हमने अपनी डेड बॉडी किसानों की नहीं दी, वे वहीं पे ही रखी हुई है, जाएंगे हम और सब लोगों से सलामत वगैरह करके आगे की क्या रणनीति होगी सब लोगों के बीच। किस तरीके से मानती है चुनाव विधानसभा का करीब है ये हादसा एक किसानों के द्वारा? ये तो डराने का धमकाने का ये साजिश इनकी चली हुई है पूरी। अच्छा, किस तरीके की जो रणनीति अब ये किसानों पर हमला सरकार द्वारा? ये ना सरकारी गुंडागर्दी है, इसको सरकारी गुंडागर्दी कहोगे? आपने जिला पंचायत के चुनाव में नहीं देखा क्या? तो यही है कि किसानों को दबा के आंदोलन से हटा के इनको मरवा के ये घटना को अंजाम दे रहे हैं। किस तरीके की मांग करना चाहेंगे सरकार से? अभी जा रहे हैं, इसके पूरे प्रकरण की जांच हो रही है। दिवस ये कार्यक्रम होता था और उसी कार्यक्रम को लेकर के आज केशव प्रसाद मौर्य जी उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे और मैं लखीमपुर से उनके साथ उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहा था। पहले से ये जानकारी थी कि कुछ किसान शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और काले झंडे दिखाने का प्रयास है, लेकिन ये था कि लोकतंत्र में इस तरह की घटनाएं सामान्य होती हैं, इसलिए हम लोगों ने उसको कहा कि ठीक है, उनका कार्य है, उसको करें। उसके बाद जब हम वहाँ पहुँचने वाले हुए तो उसी दौरान प्रशासन ने हमारा रूट डाइवर्ट कर दिया, हम लोग दूसरी तरफ जाने से हमको कार्यक्रम स्थल की तरफ वो लेकर के गए। उसी दौरान हमारे जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मेरी गाड़ी में मेरे ड्राइवर के साथ कुछ और भी गाड़ियां थी उनको लेकर के रिसीव करने जा रहे थे, तो ऐसी जब उनको जानकारी हुई कि डाइवर्जन हो गया है तो वो उस रूट की तरफ बढ़े। उसी दौरान किसानों के बीच में छुपे हुए कुछ उपद्रवी तत्वों ने उनके गाड़ियों पर पथराव किया, गाड़ियों पर लाठी डंडे से वार करने शुरू किए, जिससे गाड़ियों में बैठे हुए लोग हड़बड़ा गए, हमारे कार्यकर्ता हड़बड़ा गए और उनको फिर खींच करके उन लोगों ने लाठी डंडों और तलवारों से मारा पीटा है, जिसके वीडियो भी हमारे पास है। और जिस तरह से ये घटना हुई उसके बाद उन्होंने ये भी चिल्ला चिल्ला कर कहा कि गाड़ी को नीचे धक्का दो, गाड़ियों को नीचे खाई में सड़क से उन्होंने धकेला है, उसका भी वीडियो है। उसके बाद उन्होंने गाड़ियों में आग लगाई, गाड़ियों की तोड़ फोड़ की और इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया है। निश्चित रूप से किसानों के बीच में छुपे हुए उपद्रवी, जैसे लगातार किसान आंदोलन शुरू होने के समय से ही बंपर खालसा ऐसे बहुत सारे आतंकवादी संगठन लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि देश में अशांति को फैलाया जाए, देश में अराजकता बढ़े, और इसी क्रम में मुझे लगता है ये घटना हुई है। अब इस पर लोग राजनीति करने के उद्देश्य से इस तरह की बयानबाजी दे रहे हैं कि मैं या मेरा बेटा, जबकि मैं तो उस स्थल पर कभी 15 दिन से भी नहीं गया होऊंगा, जब मैं पहली बार आया था तो उस रोड से भले निकला हूँ, और जहाँ तक मेरे बेटे का प्रश्न है, हम लोग अपना जो कार्यक्रम ये करते हैं उसमें हजारों लोग शामिल होते हैं और वो ओपन में होता है, जिसमें पुलिस और प्रशासन के लोग रहते हैं, फोटो और वीडियोग्राफी भी होती है, और उस पूरे कार्यक्रम के दौरान 11 बजे से लेकर कार्यक्रम समाप्त होने तक मेरा बेटा वहीं पर उपस्थित था। मैं
चूंकि डाइवर्जन होकर के दूसरे स्तर पे गया था, इसलिए मेरा भी वहां पर पहुंचने का कोई मकसद नहीं था, ना कोई औचित्य था। और जिस तरह से उन्होंने घटनाएं की हैं, तो अगर मेरा बेटा भी वहां पर होता तो उसको भी वो पीट पीट कर हत्या कर देते, ये निश्चित था। मैं चूंकि डाइवर्जन होकर के दूसरे स्तर पे गया था, इसलिए मेरा भी वहां पर पहुंचने का कोई मकसद नहीं था, ना कोई औचित्य था। और जिस तरह से उन्होंने घटनाएं की हैं, तो अगर मेरा बेटा भी वहां पर होता तो उसको भी वो पीट पीट कर हत्या कर देते, ये निश्चित था। अब किसान आंदोलन में जो जुड़े हुए नेता हैं, उनको समझना होगा कि उनके आंदोलन में अराजक तत्व न जुड़े। जिस तरह से वो देश में अशांति और अस्थिरता फैलाना चाहते हैं, उसी क्रम में इनका प्रयास है। ऐसे लोगों को निश्चित रूप से आंदोलन से बाहर होना चाहिए। हमारे कार्यकर्ताओं की बहुत दुखद मृत्यु हुई है। हमारे 3 कार्यकर्ता और हमारा खुद का ड्राइवर वो मारा गया है, गाड़ियों को जलाया गया है। हम इसके विरुद्ध एफआईआर कराएंगे, वीडियो हमारे पास है। और ऐसे सारे लोगों को जो इसमें शामिल है, उन पर दफा 302 का केस भी लगाया जाएगा। और उसके साथ साथ जो भी दंडात्मक कार्रवाई होगी वो मैं करूंगा। अपने कार्यकर्ताओं के साथ मैं खड़ा हूँ, उनके परिवार के साथ मेरी संवेदना है। और वो सारे मुकदमों को एफआईआर दर्ज कराने के बाद कोर्ट तक ऐसे लोगों को सजा दिलाने का काम मैं स्वयं करूँगा।